देशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश का नागरिक फारशीद शेख बिना पासपोर्ट और वीजा के नवंबर महीने में भारत आ गया था और पुलिस ने पंडरिया स्टेट बैंक के पास से घूम रहे इस फारशीद शेख को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बांग्लादेशी फारशीद शेख के खिलाफ विदेशी विषयक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दें कि यह खर्शीद जो बांग्लादेशी युवक है, खर्शीद शेख इसका नाम बताया जा रहा है, बिना वीजा के ये गिरफ्तार किया गया है। अधिक जानकारी के साथ प्रदीप गुप्ता जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या पूरा मामला है, ये आप तक क्या कुछ इसने बताया है, कहां का रहने वाला है, क्यों इसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और कब से क्या रह रहा है, क्या मकसद था इसका यहाँ आने का? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज पंडरिया पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जो बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया है, स्टेट बैंक के पास जो है संदिग्ध हालत में उसको गिरफ्तार किया गया है, उसके पास जो है विदेशी जो दस्तावेज है, वीजा है या पासपोर्ट है, ये तमाम जो कागजात जरूरी कागजात है वो उनके पास से नहीं मिला है। फिलहाल जो है उसके पास उसको गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है और जो है विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। फिलहाल जो है अभी पुलिस को एक संदिग्ध हालत में जो मिली। चलिए, तमाम जानकारी शुक्रिया आपका प्रदीप।